ये तो उसकी है, महिंद्रा की आई गेस। रोड ग्रिप कैसी है? हाँ क्या बात है, मैं कहता हूँ माँ सदके यार, ग्रिप आप देख रहे हैं वो जो मिट्टी वाली सड़क है यहाँ चीकड़ में भी आपके सामने किस तरह से ग्रिप बुकिंग करवाए ना फिर सर, आप इस तरह तो ना करें। तो आप हमें बताइए, 3 लाख रुपए का मैंने मोबाइल लिया, 3 लाख का मेरे एक और गुर्दा बिक जाएगा, मैं गाड़ी लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इसके अंदर एक मसला है ना, ये 16 लाख की पाकिस्तान में नहीं है, फिर कहाँ पर है? इधर आता है तो फिर 1.5 करोड़ की हो ही जाए। शक नहीं है कि इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है और एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर के ममालिक में। उनका जो टाटा है इतना बड़ा नाम है, यकीनन कोई भी इससे जो है ना नावाकिफ नहीं होगा मुझे लगता है। तो देखें उनकी टाटा कंपनी का जो लेवल है उसके आगे तो कोई लेवल मैं है ही नहीं है। हेलो वे, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। अगर बात की जाए कार्स की तो इंडिया के अंदर गाड़ियां बड़े मज़े मज़े की आए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक को एक ट्विस्ट के साथ महिंद्रा थार की वीडियो दिखाने जा रहा हूं। मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आप पाकिस्तान की पब्लिक को महिंद्रा थार के ऊपर जो आप वो पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन वीडियो लें। पब्लिक को आए मैं महिंद्रा थार की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ एक ट्विस्ट के साथ, बाद में उनको प्राइस का बताऊँगा। तो यही चलते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के पास और देखते हैं कि वो क्या रिएक्शन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? ठीक ठाक, आप सुनाएं, अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? नहीं चल रहा, क्या नाम है? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? सोनू जॉन। सोनू जॉन, वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मुबीन अहमद। मुबीन साहब, आपको गाड़ी कौन सी पसंद है? मुझे किया स्पोर्टेज। किया स्पोर्टेज, और आपको? किया स्ट्रेंजर। किया स्ट्रेंजर। अच्छा मैं आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, हमने गाड़ी की वीडियो देखनी है, मुझे बताना है वो गाड़ी कैसी लगी है। जी जी ठीक है। 4x4? हाँ जी 4x4। मैं शौकीन हूँ ना गाड़ी में। जीप है, महिंद्रा। वाह इंटीरियर बहुत प्यारा है। इंटीरियर अच्छा है? बहुत अच्छा इंटीरियर बनाया है। ये तो उसकी है, महिंद्रा की आई गेस। रोड ग्रिप कैसी है? हाँ क्या बात है, मैं कहता हूँ माँ सदके यार, ग्रिप आप देख रहे हैं वो जो मिट्टी वाली सड़क है यहाँ चीकड़ में भी आपके सामने किस तरह से ग्रिप। यार मैं समझता हूँ कि ऐसी गाड़ी अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं कहता हूँ कमाल ही हो जाएगा। मेरी उम्मीद है कि मेरे अगर अल्लाह ने पैसा दिया तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको खरीदूंगा। ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट कार है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छी गाड़ी है। जी बच्ची सेट करने के लिए भी प्यारी है। क्या लगता है, क्या हुआ? किया स्पोर्टेज से थोड़ी बेस्ट है। किया स्पोर्टेज से आपको ये गाड़ी आपकी अच्छी लगी, यानी जो आपकी ड्रीम कार है उससे आपको ये गाड़ी अच्छी लगी? जी बिल्कुल। क्या लगता है कितने की होगी? लाइक 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ या शायद से भी ज्यादा की हो सकती है। नहीं हमारे से पता करें क्या हो गया भाई। 70-80 लाख रुपए भाई। यस 70-80 लाख मैक्सिमम, इससे कम की नहीं है। इससे कम हुई तो 40-1 लाख की हो जाएगी। 40-1 लाख की। अब थोड़ा सा आपको मैं शॉक करूँ। जी जी जी, असल प्राइस बताऊँ जी, इसकी जो असल प्राइस है वो 16 लाख रुपये। बुकिंग करवाए ना फिर सर, आप इस तरह तो ना करें। तो आप हमें बताइए, 3 लाख रुपए का मैंने मोबाइल लिया, 3 लाख का मेरे एक और गुर्दा बिक जाएगा, मैं गाड़ी लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इसके अंदर एक मसला है ना, ये 16 लाख की पाकिस्तान में नहीं है, फिर कहाँ पर है? इधर आता है तो फिर 1.5 करोड़ की हो ही जाए पाकिस्तान। ये 16 लाख रुपए की इंडिया के अंदर है, तो फिर पाकिस्तानी कोई होगा। बॉर्डर भी तो है ना, फिर बॉर्डर से पाकिस्तानी आप इसको लगा लें 16x3 और वो तकरीबन इंपोर्ट करने का भी खर्चा आ जाता है, उसके ऊपर आप 300% टैक्स लगा लें, 52 हो गए हैं, तकरीबन आपको 60-60। तो मैंने सही कहा है फिर इसका, तो गिफ्ट क्या देंगे अब आप? इसको खरीदेंगे इंशाल्लाह, मतलब आपको उसकी लुक अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी है। अगर इसको डेजर्ट में चलाने का मजा आ जाए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर होता भी कोई नहीं है और जहाँ सुनसान गुंजान बार इलाका होता है ना वहाँ पर ड्राइविंग करने का मजा भी आता है, मजा आता है। तो क्या लगता है आपको ये गाड़ी कितने की होगी? मेरे हिसाब से तो ये तकरीबन मुझे लग रही है 2-3 करोड़ की। 2-3 करोड़ की, ऐसे ही है। इसकी लुक किसके साथ मिल रही है? इसकी लुक ये जीप वगैरह जो होती हैं हमारी पाकिस्तान, तो लैंड क्रूजर जो है आप उसके साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं? हाँ वो लैंड क्रूजर हो गया और दूसरी जो होती हैं मेरा ज़हन से नाम निकल गया है वो काला वीगो डाला जो होता है उसके साथ नहीं 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 लैंड क्रूजर ही है, एक और नाम है ज़हन से निकल गया, लैंड क्रूजर जैसी शेप है। अब मैं आपको इसकी असल प्राइस बताऊँ? बताएँ। धचका तो नहीं लगेगा? नहीं 16-17 लाख। वाकई सीरियसली 16-17 लाख? झूठ बोल रहे हैं ना। लेकिन एक मसला है ना इसके अंदर, मसला ये है कि आपको 16-17 लाख की पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। झूठ बोल रहे हैं ना तू? नहीं नहीं, ये मैंने बिल्कुल सच बोला है, 16-17 लाख रुपए की है और ये आपको पाकिस्तान में इतने की नहीं मिलेगी। कहाँ की है ये? आप पहले दिल को संभालें, ये आपको 16-17 लाख रुपए की इंडिया में मिलेगी।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਕੱਢੇਗਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਕੀ 17-18 ਲੱਖ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਸੇ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਲੈ ਲੇ ਆਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੀਜੀਏਗਾ 16-17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਗਰ 17 ਲੱਖ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੀਆ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮੈਨੇ ਯੇ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ 17 ਲੱਖ ਆਇਆ ਆਪਕੋ ਯੇ ਵਾਲੀ ਗਾੜੀ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਉਸਕੋ ਨਾ 3 ਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਕਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਵੈਸੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ 16 ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪ 3 ਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ 16 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3 ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪ 300% ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਲੇਵੀ ਲਗਾਏ ਕਸਟਮ ਲਗਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਾ ਲਗੂ ਕੇ ਆਪਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60-70 ਮੇ ਪੜੇਗੀ ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੋ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਲ ਕੇ ਔਰ ਤੁਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਏ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਉਨਕਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਇਸਮੇ ਤੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੁਦ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੇ ਮਮਾਲਿਕ ਮੇ ਉਨਕਾ ਜੋ ਟਾਟਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖੇ ਉਨਕੀ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਕਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਤੋ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਟਾਟਾ ਨੇ ਟਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੀ ਥੀ ਨਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की है कार मैन्युफैक्चरिंग की है हालांकि अफसोस होता है ये फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर रहा हूँ हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ हुई है अलग की साथ हुई है 1947 में लेकिन हमने काम नहीं किया उन्होंने अपने आप को मनवाया है हर फील्ड में आप देखें आप तो पाकिस्तान जो है वो मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहा मुझे ये बात बताएं ना मैन्युफैक्चरिंग यार पैसे होंगे तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा और अपनी इंडस्ट्री खड़ी करेगा पाकिस्तान तरक्की कब तक कर लेगा एक सदी हो सकता है इसके लिए लगे मतलब 100 साल अभी लगेंगे पाकिस्तान एब्सोल्युटली थैंक यू सर और दूसरी बात ये मैं थैंक यू सर कह रहा था पाकिस्तान में एक मेहरान थी जिस टाइम मैंने मेहरान ली थी वो उस टाइम ली थी 4 लाख रुपए की अब वो भी बेच दिया तो अब वो लेने गया तो 8 लाख रुपए की हो गई ये हमारा दरअसल ना हमारे जो हुक्मरान है Like उनके भी बीच में बड़ी बीच में ना क्या हुक्मरानों का तो कोई कसूर ही नहीं है ना किसका कसूर आवाम का कसूर है मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही पाकिस्तान में क्या नहीं हो रही मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही हम गाड़ी पाकिस्तान में अच्छा ये बताए ना आपकी समझ नहीं आ रही है मुझे अच्छा बात पता क्या मैं आपको बताता हूँ देखें अब गाड़ियाँ चोरी बड़ी हो रही हैं एक तो गाड़ियाँ चोरी होते हैं जो बंदा वहाँ में गाड़ी ले रहा है तो उसको पेट्रोल कौन पूरा करेगा गाड़ी तो ले रहे पेट्रोल कौन पूरा करेगा अब एक बाइक है अब बाइक को मैं 3 लाख लगा के आगे खड़ा हूँ 3 लाख खड़े हुए हैं उसको 3 लाख अब उसको चोरी भी तो हो सकती है आपको ये महिंद्रा थार जो है ये कितने तक की होगी ये महिंद्रा थार मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 4 करोड़ के करीब 4 करोड़ हाँ। लैंड क्रूजर से भी ऊपर निकाल दिया आपने ये एक लेवल है इसका महिंद्रा का सर सिर्फ 16-17 लाख 17 लाख 16-17 लाख नहीं यार मैं सीरियस बात कर रहा हूँ 16-17 लाख लेकिन इसके अंदर एक मसला है क्या मसला मसला ये है कि गाड़ी 16-17 लाख में आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी अच्छा ये इंडिया में 16 नाम से आपने पहचान लिया होगा कि महिंद्रा है तो इंडिया ब्रांड है इंडिया का ब्रांड है वहाँ पे ये 16-17 लाख की पाकिस्तान में अगर ये आती है तो अराउंड 16-17 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें करेंसी हमारी में आ जाएगी फिर उसके बाद 300% ऊपर टैक्स लगेगा सुपर टैक्स लगेगा लेवी लगेगा कस्टम लगेगा तो ये अराउंड 70-80 तक पहुँच जाएगी क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतनी गाड़ियाँ महंगी हैं क्या वजह है यार मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं है ना अगर मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो सारा काम मतलब खुद करें तो हमें बाहर किसी को पे नहीं करना पड़ता अभी मैन्युफैक्चरिंग कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैंने देखा हो कि मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी हो रही है या मोटर बाइक्स ऐसी कोई मैन्युफैक्चर हो रही हैं जो हाई लेवल तो हम क्यों नहीं बना रहे यार हम शायद बना सकते हैं या इन फ्यूचर कभी करें लेकिन अभी जो मुल्क के हालात टैलेंट बहुत है हमारे पास जी जरूर टैलेंट की तो टैलेंट कहाँ पे जा रहा है टॉयलेट में जा रहा है कहाँ पे जा रहा है उसका नहीं चोरी के अलावा पाकिस्तान में अगर अभी हम ब्रांड न्यू गाड़ी ले रहे हैं यही गाड़ी आप बता रहे हो कि अगर पाकिस्तान में आ जाए तो तकरीबन 60-70-80 तक चली जाएगी जो आपने बताया है लेकिन इंडिया के अंदर 16-17 लाख रुपये की है इतना प्राइस का फ़र्क क्यों है वहाँ लेजेंड काफ़ी है ना फिर समझे आप लेजेंड आप समझते हैं ना वहाँ लेजेंड काफ़ी बैठे हैं ये तो आपको पता है गरीब सा मुल्क है ठीक है गरीब सा मुल्क है वहाँ कैमरा मारे ना एक बार जब पता चल जाएगा आपको किस तरह गरीब सा मुल्क है वो लेजेंड का मुल्क है फिर तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा जैसे हमारे जैसे आपको संवारेंगे संवारेंगे और हमारे जैसे लेजेंड इस दुनिया से जाएंगे जब लेजेंड हम जैसे चले गए ना फिर ये तरक्की कर जाएगा इजीली वो टैलेंट मेरे ख्याल से तो शायद गुरबत में ही मारा जा रहा है गुरबत में मारा जा रहा है जो कर सकते हैं उनको भी मौका नहीं मिल रहा और जो करने की हिम्मत करते हैं फिर उनसे आप बेहतर जानते हैं क्या होता है तो एंड पे कोई पाकिस्तानी पब्लिक को इंडियन पब्लिक को हमारी ऑडियंस जो उसको कोई पैगाम देना चाहें मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत से रहें इंडिया में भी हमारे भाई रहते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग इस काबिल हैं कि वो इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं उनको मौका दिया जाए थैंक यू सर बहुत शुक्रिया
जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हटके मैं कंटेंट लेके आया था, पाकिस्तानी पब्लिक ने बड़े मज़े के रिएक्शन लिए। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के अपने होस्ट उबैदुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। गाँव में, गाँव में, गाँव में।